अब हम लोग डिस्कस करेंगे राउटिंग एल्गोरिथम्स है ना देखिए सबसे पहले राउटिंग क्या होती है राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग अ पैकेट इन अ नेटवर्क सो इट रीचेस टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन मतलब पैकेट फॉरवर्डिंग की तरीके को हम लोग बोलते हैं राउटिंग जिसमें कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को कैसे पहुंचाया जाए कैसे रूट किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग अब राउटिंग एल्गोरिथम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं नॉन एडॉप्टिव और एडॉप्टिव। नॉन एडॉप्टिव को ही हम लोग बोलते हैं स्टैटिक या एडॉप्टिव को हम लोग बोलते हैं डायनामिक है, अब इसका मतलब क्या है नॉन एडॉप्टिव एल्गोरिथम डू नॉट बेस देयर राउटिंग डिसीजन ऑन एनी मेजरमेंट और एस्टिमेंट ऑफ करंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी देखिए इसका मतलब समझिए नॉन-एडॉप्टिव एल्गोरिथम्स जितनी भी होती हैं, वो सारी एल्गोरिथम्स प्री डिफाइंड एल्गो को फॉलो करती हैं। करंट ट्रैफिक और टोपोलॉजी से इनका कोई लेना देना नहीं है कितना भी ट्रैफिक हो जाए कितना भी डिले हो जाए कितना भी कंजेशन हो जाए इसके प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके अपोजिट एडोप्टिव एल्गोरिथम ये कहती हैं कि चेंज इन टोपोलॉजी और समटाइम्स चेंज इन ट्रैफिक अगर ये चेंज होता है तो उसके हिसाब से एल्गोरिथम डिसीजन लेगा उसके हिसाब से चीजें चेंज होंगी इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेता है और ये करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं लेता है मतलब भाई एक नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क में कोई डेटा ट्रैफिक हो रहा है यहां से यहां यहां से यहां सपोज करिए एक टाइम पर यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो अगर आप नॉन एडोप्टिव एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं तो उसने अगर ये रूट चूज कर रखा है तो इसी रूट से ही जाएगा चाहे ट्रैफिक कुछ भी हो जबकि एडोप्टिव एल्गोरिथम यह कहती है कि करंट टॉपोलॉजी या करंट ट्रैफिक या करंट डिले को कंसिडर करते हुए ये रूट को चेंज भी कर लेते हैं अब देखिए राउटिंग कंप्यूटेड इन एडवांस या ऑफलाइन मोड मतलब पहले से जो रूट फिक्स हो गया वही रूट नॉन एडॉप्टिव एल्गोरिथम फॉलो करेंगी जबकि अडाप्टिव एल्गोरिथम यह कहती है कि रूट चेंजेस डायनामिकली मतलब रूट जो है वो चेंज होता रहेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से अब मैं आपको बहुत सारी एल्गोरिथम्स बताऊंगा उनमें से जो नॉन एडाप्टिव की कैटेगरी में आएंगी और जो एडाप्टिव की कैटेगरी में आएंगी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग की अगर मैं बात करूँ फ्लडिंग की बात करूँ या फ्लो बेस्ड राउटिंग की बात करूँ ये तीनों एल्गोरिथम्स हमारी नॉन एडोप्टिव एलगो है स्टैटिक एल्गोरिथम स्टैटिक राउटिंग एल्गो और अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग डीवीआर या लिंक स्टेट राउटिंग की बात करता हूं तो ये दोनों एल्गोरिथम एल्गोरिथम हमारी की कैटेगरी में आए तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ राउटिंग एलगोरिथम्स एडोप्टिव और नॉन एडोप्टिव अब आगे चलते हैं एल्गोरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज को भी अक्सर पूछ लिया जाता है ये छह प्रॉपर्टीज हैं करेक्टनेस सिंप्लिसिटी रोबस्टनेस स्टेबिलिटी फेयरनेस ऑप्टीमेलिटी इसका मतलब समझिए करेक्टनेस का मतलब सिंप्लिसिटी मीन्स राउटिंग शुड बी डन इन मैनर मतलब आसान होना चाहिए रोबस्टनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सटेंड द सिस्टम ओवर आय मतलब आपने कोई एक एल्गोरिथम बनाई गई है अगर कुछ टाइम बाद उसमें कुछ एक्सटेंड करना है कुछ अपडेशन करना है तो वो आसानी से हो जाए स्टेबिलिटी का मतलब एल्गोरिथम शुड बी स्टेबल अंडर ऑल ऐसा नहीं है कि सिचुएशन चेंज हो तो वो स्टेबल ना रहे तो वो हर सिचुएशन में एल्गो हमारी स्टेबल होनी चाहिए फेयरनेस फेयरनेस का मतलब क्या है कि जितनी भी नोड कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क पे उन सभी नोड को फेयर चांस मिलना चाहिए ट्रांसमिटिंग देयर पैकेट्स उनको अपने पैकेट ट्रांसमिशन के लिए चांस फेयर मिलने चाहिए ऑप्टिमलिटी ऑप्टिमलिटी का मतलब मैक्सिमाइजिंग या एफिशिएंसी है ना और मिनिमाइजिंग मीन पैकेट डिले जो डिले है वो मिनिमाइज होना चाहिए थ्रोपुट या एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए तो ये छह प्रॉपर्टीज हैं जो राउटिंग एल्गोरिथम में होनी चाहिए अब इनमें एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है कई बार कि फेयरनेस एंड ऑप्टीमेलिटी ट्रेड ऑफ फेयरनेस एंड ऑप्टीमेलिटी ट्रेड ऑफ ऑप्टीमलिटी को ही कई बार बोल देते हैं एफिशियंसी तो देखिए इस फिगर से आपको समझ में आएगा ये फिगर बना हुआ है देखिए इसमें अगर मैं दो चीजें कहूं कि फेयरनेस मुझे लानी है अगर इस एल्गोरिथम में फेयरनेस लानी है और ऑप्टिमल हमको सॉल्यूशन देना है मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी देनी है तो आप देखिए ये एक्स है ये एक्स डैश है अगर यहां इस लाइन से कम्युनिकेट कराएंगे तो एक्स और एक्स डैश ही कम्युनिकेट कर पाएंगे तो दो यूजर हुए और इधर देखिए ये ए है ये ए डैश है ये बी है ये बी डैश है ये सी है, है और ये सी डैस है तो आप कहेंगे कि अगर हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करानी है तो हमें किसको कम्युनिकेट कराना पड़ेगा ए को ए डैश से इसको चांस देना चाहिए बी को बी डैश से चांस देना चाहिए और सी को सी डैश से चांस देना चाहिए क्यों क्योंकि ये यूजर्स ज्यादा है तो जब आप ये फॉलो करेंगे कि ए ए डैस से कम्युनिकेट करे बी बी डे से कम्युनिकेट करे और सी सी डे से कम्युनिकेट करे तो जाहिर सी बात है कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी है ना अब बट हम किसको चांस नहीं दे रहे हैं एक्स और एक्स डैश को कम्युनिकेट करने के लिए चांस नहीं दे रहे हैं भाई फेयरनेस क्या कहती है कि एवरी नोड कनेक्टेड टू द नेटवर्क जो नेटवर्क पे जितने भी नोड कनेक्टेड हैं सभी को कम्युनिकेट करने का चांस मिलना चाहिए तो हम इस ट्रैफिक को इंक्रीज uh, करने के लिए सॉरी इस ट्रैफिक पे डेटा कम्युनिकेट कराने के लिए हमें इस वाले ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा जो ये चल रहा है इसको करना पड़ेगा, तभी तो, ये तो तीन पेयर पे आपने कम्युनिकेट कराया और एक पेयर को रोक दिया तो दैट मीन्स आपने एफिशियंसी तो इंक्रीज कर ली बट फेयरनेस हमारी डिक्रीज हो गई क्यों फेयरनेस क्यों नहीं हुआ क्योंकि आपने इस पेयर को कम्युनिकेट करने से रोका इन तीन पेयर को तो आपने अलाउ किया बट इसकी वजह से इन दोनों को कम्युनिकेट करने से रोक दी रोक दिया तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेयरनेस एंड ऑप्टिमलिटी ट्रेड ऑफ की कई बार ऐसा होता है कि ऑप्टिमलिटी इंक्रीज करने के चक्कर में हमारी जो फेयरनेस है वो रिड्यूस हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेयरनेस एंड ऑप्टीमेलिटी ट्रेड ऑफ कई बार शॉर्ट नोट पे पूछ दिया जाता है तो इसका डिस्क्रिप्शन ये मैंने लिखा हुआ है फेयरनेस एंड ऑप्टीमलिटी का आप पढ़ लीजिएगा यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है अब देखिए हम आपको एक एक करके एल्गोरिथम्स बताते हैं जो एल्गोरिथम्स राउटिंग में हमारी यूज होगी फर्स्ट वन इज ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल तो ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल जो है ये देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा नेटवर्क है ये एक नेटवर्क हमको गिवेन है ठीक इसमें मेरे को ऑप्टीमल तरीके से कम्युनिकेट करवाना है तो हम क्या करते हैं ऑप्टीमेलिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि, कि किसी भी नेटवर्क के लिए आप सिंक ट्री जनरेट कर लीजिए ठीक और उस सिंक ट्री के हिसाब से कम्युनिकेट करवा दीजिएगा आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा सिंक ट्री कैसे बनाते हैं कहीं क्लोज लूप ना हो मतलब हर एक नोड एक एक बार कनेक्टेड हो जाए जैसे इस फिगर में देखिए इससे मैंने सिंक ट्री बनाया है और ये बेस्ट पाथ टू राउटर बी बी के लिए हमने सिंक ट्री जनरेट किया है तो ये हमने राउटर बी के लिए सिंगट्री जनरेट किया है बी से ए कनेक्टेड है सी कनेक्टेड है और ए से एफ डी है ना फिर डी और आई से जो कनेक्टेड था इसको छोड़ दिया क्योंकि लूप बन रही थी इस तरीके से हमने एक सिंगट्री जनरेट कर लिया तो सिंगट्री जो है अगर हम ये सिंगट्री मोर देन वन हो सकते हैं ये राउटर बी के लिए बना हुआ है अगर हम सी के लिए सिंगट्री जनरेट करेंगे तो वो कुछ और बनेगा ए के लिए बनाएंगे तो कुछ और बनेगा तो मोर देन वन सिंगट्री हो सकते हैं तो ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल सीधा सीधा ये कहता है कि जो भी आपका नेटवर्क दिया गया है और जिस राउटर से आपको कम्युनिकेट कराना है उस पर्टिकुलर राउटर के लिए आप सिंक ट्री जनरेट कर लीजिएगा और उस सिंक ट्री के हिसाब से आप पैकेट को सेंड करते रहिएगा so तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टीमेलिटी प्रिंसिपल ये सिंपल प्रिंसिपल है बिल्कुल इतना कहता है कि आप सिंक ट्री जनरेट करिए और उस हिसाब से कम्युनिकेट करवाइएगा और मोर देन वन सिंक ट्री हो सकते हैं इस राउटर के लिए बना रहे हैं तो सिंक ट्री दूसरा हो इस राउटर के लिए बनाए तो सिंक ट्री हो सकता है दूसरा हो इस राउटर के लिए बना रहे हो तो सो हो सकता है सिंगट्री दूसरा हो तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमेलिटी प्रिंसिपल राइट तो ये बेसिक मेथड था अब आगे देखते हैं दूसरा मेथड है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ पाथ एल्गोरिथम एल्गोरिथम मेथड में हम यहाँ पर आपको एल्गो बताएंगे आपने डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा बट हम यहां से शॉर्ट में आपको बता देते हैं आपके काम की चीज डायरेक्ट हम सीधा फिगर पे आते हैं ये भी हमारी नॉन अडोप्टिव एल्गोरिथम है क्योंकि इसमें कहीं पर भी ट्रैफिक या टॉपोलॉजी या डिले का जिक्र नहीं आएगा ये देखिए एक एग्जाम्पल है इसमें ये फिगर बना हुआ है राउटर है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ सभी को फाइंड आउट करना है तो देखिए कैसे करेंगे हमारा स्टार्ट नोड है ये ए अब ए के नेबर कौन कौन से हैं बी और जी तो यहां पर आ गया बी पे मैंने लिख दिया ये देखिए टू कॉमा ए इसका मतलब है कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी थी टू तो टू हो गई डिस्टेंस और वाया ए यहां पे डिस्टेंस कितनी दी गई है सिक्स तो ये हो गया सिक्स कॉमा ए मतलब डिस्टेंस यहाँ की सिक्स और वाया ए आगे चलते हैं अब हम बी को कंसीडर करते हैं तो बी के नेबरहुड कौन कौन से हैं सी और ई तो देखिए बी से सी तक का डिस्टेंस कितना था सेवन तो सेवन और टू इसमें था सेवन और टू कितना हो गया नाइन कॉमा बी मतलब वाया बी अब दूसरा नेबर कौन सा था ई e. तो यहां तक टू था यहां की डिस्टेंस कितनी है टू तो टू कॉमा टू कितना हो गया फोर कॉमा बी ये आ गया ठीक अब देखिए अब हमने देखा ई e नोट को है ना तो ई e पे फोर कॉमा बी है अब जी पे कितना डिस्टेंस दिया गया ई e के नेबर कौन से जी और एफ ठीक तो एफ का देखिए कितना डिस्टेंस था टू तो यहां पर कितना हो गया सिक्स कॉमा ई फोर तो पहले ही था यहां से यहां तक की डिस्टेंस टू तो यहां पर हो गया सिक्स सिक्स कॉमा ई वाया ई अब यहां पर देखिए देखिएमा ए बट ई के नेवर में जी है और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा फाइव तो ये जो सिक्स कॉमा ए था अब मिनिमम कौन सा हो गया फाइव तो यहां पर आ गया फाइव कॉमा ई है ना फाइव वाया ई तो ये वाली जो चीज थी ये अब अपडेट होगी क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो मिलेगा उस पाथ पे ये जाएगा आगे चलते हैं अब हम लोगों ने देख लिया ई e से जी तक हम लोगों ने शॉर्टेस्ट कहां तक निकाल लिया ए से बी तक पहुंच गए बी से सी तक पहुंच गए हैं सी से इसके बाद ई e तक ई e निकाल लिया है जी पे पहुंच गए थे अब बचा एफ पे आ गया था ठीक अब एफ के नेबरहुड कौन से हैं? सी और एच तो एफ पे कितना लगा है सिक्स और यहाँ से यहां तक कितना लगा है तीन का तो मा बी लिखिए या नाइन कॉमा एफ लिखिए बात एक ही है क्योंकि डिस्टेंस कितने की कि आएगी नाइन की आएगी तो ये मिनिमम ऑलरेडी है तो इसको अपडेट करने की जरूरत है नहीं अब एच पे देखिए एच से यहाँ कितना टू का डिस्टेंस दिया गया था ना तो सिक्स कॉमा ई दिया गया था सिक्स और टू जब आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा एट है ना अब एक्स में देखने वाली बात यह है अगर आप एफ से जाएंगे तो आपको एट मिलेगा वही चीज देखो अगले स्टेप में की हुई है इन्होंने जी से जब आप देखेंगे तो जी पे फाइव कॉमा ई है तो जी से जब आप फोर देखेंगे तो ये इन्होंने लिख दिया नाइन कॉमा जी वाया जी बट एफ से आपको कितना मिलेगा एफ तक आ चुके हैं आप सिक्स दिया गया है टू तो ये कितना हो जाएगा एट कॉमा एफ तो यही चीज देखिए यहां पर अपडेट हो गई है एच जो हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिलेगा एट कॉमा एफ अब आया हमारा डी बचा डी पे देखिए सी तक नाइन है तो सी से कितनी डिस्टेंस है थ्री की ये हो जाएगा ट्वेल्व जबकि एच से कितना मिलेगा टू के डिस्टेंस पर तो यहां पर एट दिया गया है तो यहां पे मिनिमम क्या आ जाएगा डी के लिए टेन कॉमा एच है ना तो ये देखिए हर एक नोड के लिए ए से शॉर्टेस्ट पाथ इसमें कैलकुलेट हो गया है ए से बी तक जाना होगा तो टू की डिस्टेंस पे वाया ए सी पे जाना होगा तो नाइन कॉमा बी वाया बी की हेल्प से इसके बाद डी पे जाना होगा तो टेन कॉमा एच ई पे जाना होगा तो फोर कॉमा बी एफ पे जाना होगा सिक्स कॉमा e, ई जी पे जाएंगे तो फाइव कॉमा ई और एच पे एट कॉमा एफ कुल मिला के राउटर्स क्या करेगा जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उस मिनिमम डिस्टेंस को अगर उससे पहले कोई ज्यादा डिस्टेंस दी गई है तो वो ओवर राइट करती जाएगी आपने डिजिशटा एल्गोरिथम का पूरा प्रोसीजर डिजिटल स्ट्रक्चर में हो पढ़ा होगा या फिर हम अभी डेटा स्ट्रक्चर की नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर वहां पर डिस्कस करेंगे यहाँ सिर्फ केवल राउटिंग के मकसद से शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं तो वही एल्गोरिथम यहाँ पर चल रही है उसको मैंने एक स्मॉल एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाया हुआ है ठीक तो इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग डिजिकस्ट्रा एल्गो और ये एल्गो भी स्टैटिक एल्गो है आप देख सकते हैं कहीं पर भी करंट ट्रैफिक और करंट टोपोलॉजी की बात नहीं हुई है तो, तो दैट इज कॉल्ड डिजिकस्ट्रा एल्गो या शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो तो ये राउटिंग में हमारे यूज होती है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी एल्गो है फ्लडिंग फ्लडिंग देखिए क्या होता है फ्लडिंग का मतलब होता है फ्लडिंग ऐसे समझिए फ्लडिंग का हिंदी में मतलब होता है फैलना तो आप क्या करते हैं जैसे कि सपोज करिए पानी आपने डाला पानी यहां पर पड़ा हुआ है क्या होगा ये पानी फैलना स्टार्ट कर देगा तो सेम उसी तरीके से फ्लडिंग टेक्निक कहती है कि अगर किसी नोड के पास डेटा है तो उससे जितने भी नोड कनेक्टेड होंगे ये सभी को डेटा ट्रांसमिट करेगा ठीक देखिए टेक्निक क्या है सिंपल टेक्निक इज फ्लडिंग इन विच एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंट मतलब हर एक इनकमिंग पैकेट सेंड किया जाएगा ऑन एवरी आउट गोइंग लाइन एक्सेप्ट वन इट अराइवड ऑन मतलब जिससे आया है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी आउट गोइंग एज होंगी सभी से ये कनेक्ट जितने से भी कनेक्ट होगा सभी को ही पैकेट ट्रांसमिट करेगा अब देखिए मैं इसको फिगर से समझाता हूँ फिर ये थ्योरी बाद में बताता हूँ आपके एक एग्जाम्पल बनाता हूं सपोज करिए एक राउटर है हमारे पास ए ठीक इससे एक राउटर कनेक्टेड है बी इससे एक राउटर कनेक्टेड है सी इससे राउटर कनेक्टेड है डी और इससे राउटर कनेक्टेड है ई e. इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है दिस वन दिस वन ये इससे भी कनेक्टेड कर देते हैं दिस वन दिस वन दिस वन ठीक ये एक नेटवर्क है तो फ्लडिंग क्या करेगा इसको डेटा मिला ठीक तो ये इस डेटा को इसके पास आउटगोइंग एज कितनी है दो तो यहां पर भी डेटा सेंड कर देगा बी को भी और सी को भी सेंड कर देगा बी क्या करेगा बी से कौन कौन कनेक्टेड है डी डी को भी सेंड करेगा और सी को भी सेंड करेगा ठीक अब सी के पास सी क्या करेगा डेटा डी को भी सेंड करेगा और ई e को भी सेंड करेगा तो एक सिंपल टेक्निक है राउटिंग की पैकेट सभी को ट्रांसमिट होते चले जाएंगे अब देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक हैं क्या डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बहुत सी बन जाती है मल्टीपल कॉपी जनरेट हो रही है देखिए बी सी के पास ए से भी डेटा आया बी के पास भी आया तो इधर देखिए दो डेटा पैकेट आ गए डी के पास फिर से दो पैकेट आ गए तो वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है मल, जो आपके पैकेट आते हैं उस पैकेट की मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाती है तो यहां पे हम लोग कुछ सोल्यूशन देते हैं कि मल्टीपल कॉपीज जनरेट ना हो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं दो टेक्निक जनरली हम लोग यूज करते हैं एक तो हम सीक्वेंस नंबर का यूज कर लेते हैं कि जो अगर सेम सीक्वेंस नंबर के पैकेट आएंगे ये जो पैकेट जाएगा इन पर हम लोग सीक्वेंस नंबर डाल देते हैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा तो अगर सपोज करो सीक्वेंस नंबर 11 का पैकेट ये भी है और सीक्वेंस नंबर 11 वाला पैकेट ये भी है तो ये दूसरे वाले पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा ये भी दूसरे वाले पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा ठीक तो, तो एक तो हम लोग सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं जिससे पता चल जाता है कि कौन सा पैकेट डुप्लीकेट आ रहा है या कौन सा पैकेट डुप्लीकेट नहीं आ रहा है एक दूसरी हम लोग टेक्निक लगाते हैं होप काउंटर होप काउंटर होप काउंटर का मतलब इनके साथ हम लोग एक काउंटर लगा देते हैं और जैसे ही जैसे आगे चलता जाता है तो ये होप काउंटर रिड्यूस होता जाता है बाई वन रिड्यूज बाई वन सपोज करो कोई पैकेट भेजा इसका होप काउंटर मैंने लगा दिया टू ठीक तो अभी आगे जाएगा तो यहां पर इसका होप काउंटर कितना हो जाएगा वन इसके आगे अभी जाएगा तो इसका होप काउंटर कितना हो जाएगा तो जीरो होप होते हैं इनको हम लोग काउंट करके होप काउंटर लगा देते हैं और जैसे जैसे पैकेट आगे बढ़ते जाता है तो काउंटर हम इसको रिड्यूस करते जाते हैं बाई वन और जैसे ही काउंटर जीरो हो जाता है तो उस डेटा की डुप्लीकेट कॉपी हम आगे जनरेट नहीं करते हैं तो कुछ हद तक सीक्वेंस नंबर भी हेल्प करता है और कुछ हद तक होप काउंटर भी हेल्प करता है किसके लिए जो मल्टीपल कॉपीज हमारी जनरेट हो रही थी उसको रोकने के लिए एक तीसरा तरीका हम लोग लगाते, है, मतलब लगाते हैं सिलेक्टिव फ्लडिंग मतलब फ्लडिंग हर एवरी डायरेक्शन में ना होकर सिलेक्टिव फ्लडिंग लगाते हैं सिलेक्टिव फ्लडिंग का मतलब उसी डायरेक्शन में हम डेटा को फॉरवर्ड करते हैं जो कि राइट right डायरेक्शन में जा रहा हो राइट डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेटा ए से ई e तक भेजना है तो हम क्या करेंगे ए से बी को डेटा देंगे या C और सी को भी डेटा दे देंगे जिससे कि हमारा डेटा सी से ई e तक पहुंच जाएगा अब बी से हम डेटा डी को नहीं देंगे क्योंकि डी से हमारा ई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो हम इस तरीके से सिलेक्टिव फ्लडिंग लगा के भी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करने से रोक सकते हैं तो ये तीन सिंपल टेक्निक सीक्वेंस नंबर डाल दीजिए होप काउंटर डाल दीजिएगा या सिलेक्टिव फ्लडिंग लगा दीजिएगा इसकी हेल्प से आप इसको रोक सकते हैं कि हमारी जो मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो रही थी वो जनरेट ना हो अब देखिए, जो मैंने लिखा हुआ है फ्लडिंग का मतलब मैंने आपको बताई दिया कि सभी आउट गोइंग हम लोग कॉपी जनरेट करके भेज देते हैं एक्सेप्ट दैट जिससे वो आया है अब जाहिर सी बात है ट कॉपी पैकेट है ना? अभी मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन तो क्या है एक सोल्यूशन देखो इन्होंने लिखा है होप काउंटर है ना होप काउंटर का मतलब क्या है कि होप काउंटर हम लोग इसमें असाइन कर देते हैं कंटेंट इन देडर ऑफ इच पैकेट पैकेट के हेडर में होप काउंटर डाल देते हैं दैट इज डिक्रीमेंटेड एट ईच होप है ना विथ द पैकेट बींग डिस्कार रीचेज जीरो जैसे ही वो हॉप काउंटर जीरो पे पहुंचेगा हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे इनिशियली क्या रखेंगे आइडियली द होप काउंटर शुड बी इनिशियलाइज टू द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तो होप काउंटर की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल में कितनी रखेंगे जितनी लेंथ होगी पाथ की सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ठीक है अच्छा इफ सेंडर डज नॉट नो हाउ लॉन्ग द पाथ इज इट कैन इनिशियलाइज द काउंटर टू वर्स्ट केस नेमली फुल डायामीटर ऑफ द नेटवर्क अगर उसको नहीं पता है कि कितने पाते हैं तो फुल डायामीटर ऑफ द नेटवर्क उस नेटवर्क में जितना उसका मैक्सिमम साइज होगा वर्स्ट केस में उतना साइज हम लोग दे देते हैं ये हार्ड एंड फास्ट सोल्यूशन नहीं है कि इससे हमारे डुप्लीकेट रुकी जाएंगे बट हाँ कुछ हद तक कंट्रोल कर देते हैं अच्छा इसके अलावा एक सीक्वेंस नंबर का मैंने आपको ऑप्शन बताया दूसरा सिलेक्टिव फ्लडिंग हम लोग यूज करते हैं लेक्टिव फ्रेडिंग का मतलब बाई ओनली सेंडिंग पैकेट टू राउटर्स इन सेम डायरेक्शन ऐसे कह लीजिएगा इन सिलेक्टिव फ्रेडिंग राउटर डज नॉट सेंड एवरी इनकमिंग पैकेट ऑन एवरी लाइन राउटर जो है हर एक आउट गोइंग लाइन पे नहीं भेजता है बट दोज लाइन्स विच आर गोइंग अप्रोक्सीमेटली इन राइट डायरेक्शन वही मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि जहां पर उसको लगता है कि राइट right डायरेक्शन में हमारा डेटा जा रहा है तो उस डायरेक्शन पे आउट गोइंग लाइन पे डेटा को सेंड करता है मतलब सिलेक्टिव फ्लडिंग एक तरीके से सिलेक्ट करके फ्लड करना तो उस डायरेक्शन में ही डेटा की कॉपी जनरेट करता है हर जगह पर उस डेटा को सेंड नहीं करता है ठीक तो एक बार से सारी एल्गोरिथम मैं आपको दिखा देता हूं हम लोग कितनी एल्गोरिथम पढ़ेंगे ऑप्टीमेलिटी प्रिंसिपल शॉर्टेस्ट पाथ फ्लडिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग लिंक स्टेट राउटिंग हरारिकल राउटिंग ब्रॉडकास्ट राउटिंग मल्टीकास्ट राउटिंग एंड राउटिंग फॉर मोबाइल होस्ट ये नौ तरीके के हम लोग राउटिंग एल्बो पढ़ेंगे तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया राउटिंग का मतलब बताया इसके बाद एडॉप्टिव और नॉन एडॉप्टिव इनका मतलब बताया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है अडाप्टिव और नॉन एडोप्टिव में डायनोवेक और स्टेटिक कह लीजिएगा कौन कौन से टाइप की एल्गोरेथम किस में आती है वो भी मैंने आपको बताया इसके बाद मैंने आज ये तीन एल्गोरेथम डिस्कस कर ली ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल, शॉर्टेस्ट पाथ और फ्लडिंग हमारी ऑप्टीमिटी हम हम एल्गोरिथम है ये अडोप्टिव एल्गोरिथम कैटेगरी में आती है डायनेमिक और ये जो नीचे की एल्गोरिथम है ये अडोप्टिव नॉन एडोप्टिव में हम कैटेगरी में नहीं रखते हैं आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये केवल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है जिसमें हम लोग डेटा को पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं तो ये स्टैटिक एल्गो है और ये डायनामिक एल्गो है ठीक तो ये तीन एल्गो मैंने आज डिस्कस कर ली है ऑप्टी प्रिंसिपल शॉर्टेस्ट पाथ एंड फ्लडिंग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउट इसी सीक्वेंस में आगे चलते रहेंगे ओके थैंक यू